10 साल में जितने भी फैसले केंद्र द्वारा लिए गए उनमें से शायद ही कोई ऐसा फैसला होगा जिस पर सर्वसम्मति बनी हो। विरोधियों ने हमेशा टांग अड़ाई, मोदी सरकार पर सवाल उठाए, और चलिए फैसलों को लेकर सवाल उठाना तो समझ भी आता है, बीजेपी के निजी फैसलों को लेकर भी कई बार राजनीति की गई, यानी बीजेपी के जो अपने फैसले थे, अपनी पार्टी को लेकर फैसले थे, उनको लेकर भी विरोधियों ने राजनीति की। लेकिन अफसोस, हर बार विरोधी गलत साबित हुए और बारी बारी से जनता इनकी असलियत पहचानती गई। अब हालात देखिए, अकेले मोदी को हराने के लिए सारे विपक्षियों को एक साथ आना पड़ रहा है। जो कभी एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे वो भी मंच साझा कर मोदी को टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। वो काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिनके काम पर लगातार सवाल उठाए गए, उनके राज में बीजेपी के बाकी नेता कैसा काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने आम लोगों के साथ साथ बाकी सभी नेताओं के लिए भी मिसाल पेश की है। प्रीतम सिंह लोधी को काफी दिन से उनके खुद के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। दिनेश लोधी शराब के नशे में आए दिन हंगामा करता था। दिनेश पर लोगों को परेशान करने के भी आरोप बार बार लग रहे थे। अपने बेटे की हरकतों से विधायक साहब इतने परेशान हो गए कि दिनेश को सीधा थाने लेकर पहुंच गए। पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। हमारे लड़के ने अपराध किया है तो मैंने स्वयं थाने में ले जाके अपराधी को दिया और एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की। मैंने कहा नहीं, अपराध रोकने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी धारा लगाई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, इसके एसपी साहब गवाह है। अपराध कोई भी करेगा, अगर अत्याचार अन्याय करेगा तो प्रीतम मोदी उसके खिलाफ रहेगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और मैं तो शुरू से अपराध के विरोध में रहा हूँ, गरीबों की सेवा में रहा हूँ और यही करता रहूंगा। गिरफ्तारी भी जी, गिरफ्तारी उसकी, हाँ गिरफ्तारी मैंने, आप पता करिए थाने के टीआई से, एसपी साहब से हमने स्वयं ले जाके थाने में किया है, और जो थर्ड डिग्री का पुलिस इस्तेमाल करती है वो हमने किया।